सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ वर्ड है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का साइन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। ऐसा करने से होगा कि नया वीडियो मैं जैसे ही पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे सबसे पहले देख पाएंगे। ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ही फ़ोन नंबर से बहुत सारे ईमेल एड्रेस बनाए हैं लेकिन सब कुछ भूल गए हैं, आपको पता नहीं है कि क्या है, तो उसी के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें आपको gmail.com लिख के सर्च कर लेना है। gmail.com आपको सर्च कर लेना है। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और उसमें डेस्कटॉप मोड पे चले जाइएगा, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फॉरगेट ईमेल पर। यहाँ पर जाने के बाद आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, जिस फ़ोन नंबर से आपने बहुत सारा ईमेल बनाया था, तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो मैं डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो डाल दीजिएगा, आपने जो नाम से बनाया था वो तो याद ही होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे वेरिफिकेशन करने के लिए वो फ़ोन नंबर पे यहाँ से एक कोड भेजा जाएगा, तो आप यहाँ से सेंड कर लीजिए, और उसके बाद जो कोड जाएगा उसे आपको डाल देना है यहाँ पे। तो मैं कोड जो आया है अभी डाल देता हूँ, आ चुका है कोड। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ऐसा करने से देखिए इतने सारे ईमेल मैंने बना रखा हूँ एक ही अकाउंट से, सॉरी एक ही फ़ोन नंबर से मैंने इतने सारे ईमेल बना रखा हूँ। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या करना है, किसी ईमेल को यहाँ से हटाना है या फिर उसे डिलीट करना है या फिर इसके अंदर जाना है। अब सबका पासवर्ड भी तो आपको याद नहीं होगा, इतने सारे आपने ईमेल बना के रखा है, तो उसके लिए अब क्या करना है। चलिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी एक में जाता हूँ, चलिए इसमें गया। अब यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है इसके अंदर जाने के लिए, तो पासवर्ड तो आपको याद नहीं होगा, जब ईमेल ही भूल गए तो पासवर्ड कहाँ से याद रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या खुल रहा है, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है इंटर द लास्ट पासवर्ड यू रिमेंबर। अब बताइए पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पूछ रहा है कि लास्ट वाला पासवर्ड डालिए, वो भला कैसे याद रहेगा। तो फिर आपको नीचे में चला जाना है, ट्राई ए डिफरेंट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ देखिए 49 बोल रहा है, जो मैंने फ़ोन नंबर से अभी वेरीफाई किया था वही वाला फ़ोन नंबर यहाँ पे फिर से आपको डालना है। डालने के बाद आपको सेंड टेक्स्ट मैसेज करना है, आपके फ़ोन पे फिर से एक मैसेज आएगा और आप उस कोड को डाल लीजिए फिर से। तो मैं डाल देता हूँ, चलिए मैंने डाल दिया, और उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से अपना नया पासवर्ड बना लेना है, तो जो भी बनाने का मन हो बना सकते हैं, तो मैं बना लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, बनाने के बाद यहाँ से चेंज पासवर्ड, देख सकते हैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको डन कर देना है, डन करने के बाद फिर से डन करना है, और उसके बाद कंटिन्यू। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये ईमेल फालतू का है, इसका यूज़ आप नहीं करते हैं, तो इसे आप डिलीट कर दीजिए, क्यों रखे हैं बेवजह बना के, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे डिलीट होता है, बहुत ही आसान है, तुरंत हो जाएगा डिलीट, देख लीजिए। देखिए मेरा ईमेल आईडी खुल गया है, तो आपको क्या करना है डिलीट करने के लिए इसे, ये तो कोई काम का नहीं है, मैंने बहुत सारा बना रखा है, तो इसे डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में देखिए एक सेटिंग का आ रहा है, तो वहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ उसमें चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है अकाउंट एंड इम्पोर्ट में, और यहाँ पे है अदर गूगल अकाउंट सेटिंग, उसमें जाना है। जाने के बाद ऐसा पेज खुलेगा, एंड देन यहाँ पे राइट साइड में यहाँ नीचे में डिलीट योर अकाउंट और सर्विसेज पे जाना है, फिर नीचे में डिलीट गूगल अकाउंट एंड डाटा। उसके बाद आपसे फिर से पासवर्ड मांगा जा रहा है जो अभी अभी आपने बनाया है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद बोल रहा है यू कैन डाउनलोड योर डाटा, मतलब डिलीट करने से पहले आपका कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए, और डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक कर दीजिए, बस आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, हमेशा के लिए।
तो देखिए दोस्तों, मेरा अकाउंट जो है पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। ऊपर में एक मैसेज आ चुका है, लेकिन उसके अलावा भी एक नीचे मैसेज है कि इफ़ यू एक्सीडेंटली डिलीट योर अकाउंट तो यू हैव ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू रिकवर इट। कहने का मतलब, अगर आप गलती से अपने अकाउंट को डिलीट कर दिए हैं तो आपके पास कुछ समय है, उसके द्वारा आप इसे रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, 1-2 महीना नहीं है, बस 1-2 घंटा का है, उसके अंदर में आप इसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस वीडियो में कि कैसे आप एक ही फ़ोन नंबर से अगर ढेर सारा आपके पास अकाउंट हो तो उसे खोज सकते हैं, और उसके बाद फालतू का जो अकाउंट उसमें था तो उसे डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव है, शिकायत है, तो वीडियो के नीचे कमेंट तो करना भूलें ही नहीं। और इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ नई नई टिप्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।